किश्त की राशि ज्ञात करना। आइए किश्त योजना में विक्रेता किश्त कैसे निर्धारित करता है समझने का प्रयास करें। एक दुकानदार एक वस्तु किसी मूल्य पर खरीदता है। वह जानता है कि किश्त योजना से अधिक वस्तुएं बेची जा सकती हैं, अतः वह एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त करने के लिए तत्काल नगद भुगतान, किश्त की राशि अथवा किश्तों की संख्या निर्धारित करना चाहता है। उदाहरण 17। एक टेलीविज़न का मूल्य 12,000 रुपये है तथा यह 3,000 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा दो समान प्रतिमाह की किश्त में बेचा जाता है। यदि 18% वार्षिक ब्याज की दर हो तो प्रत्येक किश्त की राशि ज्ञात कीजिए। उदाहरण 17। हल। प्रश्न में टेलीविज़न का नगद मूल्य दिया हुआ है 12,000 रुपये। मूल्य बराबर 12,000 रुपये और तत्काल नगद भुगतान जो है वह किया गया बराबर 3,000 रुपये। तब अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि किश्तों में जो देय राशि होगी वो कितनी होगी। तो किश्तों में देय शेष राशि जो होगी उसका मान होगा 12,000 ऋण 3,000 यानी कि 9,000 रुपये। ब्याज की दर दी गई है 18%। आर बराबर है 18% वार्षिक। अब यदि हम यह मान लें कि प्रत्येक किश्त की राशि जो है वो एक्स रुपए है, एक्स रुपए है और जैसा कि हम जानते हैं ब्याज साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो 9,000 रुपए का एक माह का ब्याज कितना होगा, बराबर होगा 9,000 मूलधन के रूप में, दर दिया गया है 18% और समय क्योंकि हम एक माह के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो ये होगा 1/12 और पूरे के बटे 100। चलिए आगे हल करते हैं। तो हमने देखा था कि 9,000 रुपये का एक माह का ब्याज बराबर 9,000 गुणित दर है 18, समय एक माह यानी कि 1/12 बटे 100। इसे हल कर लेते हैं तो 100 के पहाड़े से यदि इसे हम करें तो 100 एकम 100 और ये जाएगा 90 बार। इसके बाद हमें मिलेगा 90 गुणित 18 बटे 12, जिसे और हल किया जा सकता है। हम इसे 6 के पहाड़े से करें तो 6 दूनी 12, 6 3 18 और पुनः 2 से ये हल होगा 2 एकम 2 और ये जाएगा 45 बार में, यानी हमें मिला 45 गुणित 3 जो कि होगा 135 रुपये। तो 9,000 रुपये का एक माह का ब्याज हो गया 135 रुपये। तो एक माह बाद मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हुआ 9,000 रुपये और ब्याज हो गया 135 रुपये, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, अभी गणना की हमने उसकी, तो ये मिल गया 9,135 रुपये एक माह का मिश्रधन, एक माह बाद मिश्रधन।
एक किश्त चुकाने के बाद की शेष रकम अब हम निकाल लेते हैं। एक किश्त चुकाने के बाद शेष रकम वह कितनी हो जाएगी? 9,135 ऋण x, क्योंकि हमने जो मासिक किश्त है उसे कितना माना है? x रुपए। इसलिए एक किश्त चुकाने के बाद शेष रकम होगी 9,135 ऋण x रुपए। इस रकम का एक माह बाद मिश्रधन किश्त के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो हमने देखा कि एक माह बाद का जो मिश्रधन है वह किश्त के बराबर होगा, तो एक माह बाद को मिश्रधन को निकालने के लिए हमें पुनः ब्याज की गणना करनी होगी, इसलिए हम ले लेते हैं। अतः 9,135 ऋण x रुपए का एक माह का ब्याज, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन के रूप में 9,135 ऋण x रुपए। दर हमारी वही 18% और समय पुनः एक महीना, इसलिए 1/12 और पूरे के बटे में 100। इसे हल कर लें तो हमें मिलेगा 9,135 ऋण x। इसे हम लिख सकते हैं गुणित 18 गुणित 1, 12 गुणित 100, और इसे हल कर लें तो 6 के पहाड़े से इसे हल किया जा सकता है। 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, तो हमें मिला 9,135 ऋण x गुणित 3/2 × 100 यानी कि 200। इतने रुपए जो है वो एक माह का ब्याज हमें ज्ञात हुआ है। अब हम ब्याज के ज्ञात होने के पश्चात मिश्रधन की गणना कर सकते हैं। तो एक माह बाद मिश्रधन जो हो जाएगा वो होगा मूलधन धन ब्याज, इसका मतलब मूलधन है 9,135 ऋण x और ब्याज अभी हमने गणना की है 3 × 9,135 ऋण x पूरे के बटे 200। चलिए आगे हल करते हैं। हमें एक माह बाद का जो मिश्रधन प्राप्त हुआ है वह है मूलधन यानी कि 9,135 ऋण x धन ब्याज, जिसकी गणना हमने अभी की 3 × 9,135 ऋण x पूरे के बटे 200। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हमें लघुत्तम समापवर्तक की सहायता से ये मिलेगा 200 × 9,135 ऋण x धन 3 × 9,135 ऋण x और पूरे के बटे में 200। इसे और हल कर ले, कोष्टक को हम खोलेंगे तो 200 × 9,135 यानी कि ये हमें मिलेगा 18,27,000 ऋण 200 × x होगा तो ये हो गया 200x धन 3 × 9,135 जिससे हमें प्राप्त होगा 27,405 ऋण 3 × x यानी कि 3x और पूरे के बटे में 200। अब इसे आगे हल कर लें तो हमें जो अगला पद मिलेगा, यहाँ देखिए ऋण 200x और ऋण 3x, इसी प्रकार इस संख्या में से यह संख्या जो है वो जुड़ जाएगी तो हमें मिल जाएगा 18,54,405 ऋण, ये दोनों ऋणात्मक है अतः इनका हल हमें प्राप्त होगा 203x ऋण 203x और पूरे के बटे में 200। अब हम देखते हैं कि
ये जो एक माह के बाद का जो मिश्र धन है यही अगली किश्त के बराबर है, और मासिक किश्त हमने कितनी मानी हुई है x, यानी कि हम कह सकते हैं उपरोक्तानुसार हमें मिलेगा जो मासिक किश्त x है वह बराबर 18,54,405 ऋण 203x/200। और इसको हल करके हम x का मान यानी कि मासिक किश्त ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे हल करते हैं। हमने देखा है कि एक माह बाद का जो मिश्र धन है वही किश्त राशि के बराबर है, इसलिए x बराबर हमें प्राप्त हुआ था x बराबर 18,54,405 ऋण 203x/200। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हमें मिलेगा 200x = 18,54,405 ऋण 203x। पक्षांतर से हमें मिलेगा 200x + 203x = 18,54,405। पुनः इन दोनों को हल करने पर मिलेगा 403x = 18,54,405। और इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर होगा 18,54,405/403, जिसे हल करने पर हमें x का मान मिल जाएगा 4,601.50 रुपये। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक किश्त की राशि4,601.50 रुपये होगी। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।